क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, फोर सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर गिवन है, मास गिवन है, आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बताना है हमको। तो पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया और ये उस स्क्वायर का डायगोनल ले लेते हैं, और इस स्क्वायर के स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और जो इनका डायमीटर दिया हुआ है वो √5 है, तो छोटे ही हैं ये दोनों चारों स्फीयर्स। तो एक स्फीयर इधर हो गया, एक स्फीयर इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और हर एक स्फीयर का हमको एक तरह से रेडियस दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी √5/2 सेंटीमीटर, और मास हर एक का दिया हुआ है हमें 0.5 kg, और हमें ओ ओ डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो स्फीयर 1 और स्फीयर 2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ओ ओ डैश के अबाउट, वो तो वही होगा जो उनके अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट होता है। इसका मतलब ये होगा 2/5 mr². लेकिन स्फीयर 3 और स्फीयर 4 के लिए हमको पहले उनको उनके एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, यानी ऐसे मान लो कि एक ये एक्सिस हम लोगों ने ली है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और फिर इस एक्सिस से हमको इस एक्सिस पे शिफ्ट करना पड़ेगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर ये डिस्टेंस एच ले लें, इस 4 सेंटीमीटर को हम लोग ए ले लेते हैं, तो एच की वैल्यू ए के टर्म्स में अगर लिखें तो ये a/√2 होगी। तो i3 = i4 अगर निकालें तो i3 = i4 हो जाएगा 2/5 mr² उनके एक्सिस के अबाउट हो गया, और प्लस mh², तो h की जगह है a/√2, तो ma² / 2 और आएगा। तो जब हम ioo' लिखेंगे तो हमको 2 times i1 करना होगा प्लस 2 times i3 करना होगा, और जो वैल्यूज दी हुई हैं वो पुट कर देना। तो ये सब ज़रा कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये निकल के आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकल के आएगी 9 × 10⁻⁴ kg m². तो जो n हमें निकालना है उसकी वैल्यू 9 हो जाएगी।